नमस्ते दोस्तों, हर हर महादेव, तश्री लेख, राम राम सभी को। सो एज यू नो, आज है सबसे बड़ा दिन, बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए। शिवरात्रि भी है और उसी दिन दलाई लामा जी के भी दर्शन करने की अपॉर्चुनिटी एक बार फिर से मिली है विद परिवार। तो बहुत ही बड़ा दिन है। अभी मैक्लोडगंज में हम लोग बस रेडी हैं अपने अटायर में, कैसा लग रहा है बताना। टिबेटन अटायर, ट्रेडिशनल एकदम, तो उसमें मिलने जाएंगे हम लोग। एंड एक बहुत ही स्पेशल अनाउंसमेंट भी है। आपको याद होगा लास्ट टाइम हमने दलाई लामा जी की लंबी उम्र के, लॉन्ग लाइफ के लिए एक बहुत बड़ा यू नो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल किया था, जहाँ पे हमने लास्ट ईयर दलाई लामा जी 88 ईयर्स के हुए थे, तो हमने 88 ज़रूरतमंद लोगों को, पुअर गर्ल्स को एम्प्लॉयमेंट दी थी सिलाई मशीन के थ्रू। सब अच्छा कर रहे अपनी लाइफ में। फिर 1000 लोगों को राशन दिया था। तो आज पहले उनका दर्शन करेंगे, फिर उनके आशीर्वाद से अनाउंसमेंट कर रहा हूं मैं। इस बार भी बर्थडे उनका 6 जुलाई को आता है, तो अभी ये वीडियो जो अपलोड होगी तो हमारे पास 2-3 महीने होंगे कलेक्शन करने में। तो इस बार भी सिमिलरली हम लोग कुछ बड़ा प्लान करते हैं। तो इस बार वो 89 साल के होंगे, तो 89 लड़कियों को हम लोग इस बार एम्प्लॉयमेंट देंगे। एंड उसके बाद और भी चीज़ें करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो शेयर करना ताकि हम इस बार भी एक बड़ा इवेंट उनकी लॉन्ग लाइफ के लिए करें। बाकी चलिए, अब बारी आती है बड़े दिन की, उनके दर्शन की। सुपर एक्साइटेड, लेट्स गो। सो उनसे, उनके दर्शन जाने से पहले हम लोगों ने खाता और एनवेलप रेडी कर लिया है, चलिए अब चलते हैं। ये देखिए फुल मम्मी का लुक, एंड पीछे है गुरुजी से मिलने के लिए। सुपर एक्साइटेड देखिए हम लोग, एकदम बाहर एकदम बेहतरीन व्यू और फुल रेडी। सो निकल पड़े हैं अब मंदिर की ओर। चलिए जी, वी हैव रीच्ड। सो अभी टाइम हो रहा है 7:25, 8 बजे रिपोर्टिंग था, बट एक्साइटमेंट इतनी है मुझे, आधे घंटे पहले ही जा रहा हूँ। पर अंदर फ़ोन अलाउड नहीं होता, फ़ोन जमा हो जाएगा, क्योंकि ऑफिशियल कैमरामैन जो वीडियो या फोटो बनाएंगे वही मिलेगा। चलिए जी। सो काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी वहाँ पे पहुँच चुके थे। सो 7:30 बजे हम पहुँचे थे और 9:30 तक हम लोग फिर दर्शन करके वापस आ गए थे। और एक्सट्रीम रश था वहाँ पे इस बार, ऑलमोस्ट आई थिंक 400 लोग आए हुए थे। एंड मतलब वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है ऐसे महापुरुषों का दर्शन मिलना, और मेरे को लाइफ में 2 बार मौका मिल गया। तो मैं तो मतलब अच्छे कर्मों का होता है ना फल मिलता है आपको, तो वो वाला दिन है। और दिन भी इतना अच्छा था शिवरात्रि का, ऐसे संतों का दर्शन मिलना अपने आप में धन्य हो जाने वाली बात होती है। और मेरी मम्मी का तो रो रो के बुरा हाल था, क्योंकि फर्स्ट एक्सपीरियंस था उनके सामने जाते, इतना नर्वसनेस और इतना यू नो इमोशंस बाहर आते हैं जिससे मिलने के लिए इतना वेट किया हो, तो उनके सामने आते ही मतलब काफ़ी देर मम्मी को टाइम दिया दलाई लामा जी ने वहाँ पे उनको जैसे कहते हैं ना कंसोल करना कि इट्स ओके, आशीर्वाद दिया अपने अच्छे से। बहुत सुपर सुपर अच्छा एक्सपीरियंस, अच्छे से उनके दर्शन हुए, तो बहुत खुशी मिली। एंड जब हम लोग अंदर थे तो वहाँ पर एक लामा जी, दलाई लामा जी के साथ एक लामा जी थे, उन्होंने हमको देखा और पहचान लिया। तो हमारे लिए स्पेशली अंदर टेम्पल से दलाई लामा जी ने फूंक मारा था उसमें, तो वो वाटर, होली वाटर हमको दिया, बोला कि ये दलाई लामा जी ने पर्सनली इसमें फूंक मारा है और ये आपके लिए मैं लाया हूँ, और इसको पानी में डाल के फिर आप लोग ले सकते हो। तो मतलब बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस और बहुत ही अच्छी केयर मिली, तो बहुत अच्छा लगा। हर बार कुछ ना कुछ स्पेशल होता है, इस बार हमको मिला है जल। खास खास लोगों को ही देते हैं ये चीज़। कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया, मैं तो खूब ब्लेसिंग लिया, मैं गोदी से लगाया उन्होंने, और उन्होंने ये जब लामा जी हैं उन्होंने बाहर निकलते टाइम हमको बुला के ये जल दिया, बोला स्पेशली आपके लिए। तो ये उसमें उन्होंने फूका है और उन्होंने बोला था कि जैसे पानी की बड़ी बॉटल ले लेना और एक ड्रॉप उसमें। उसके बाद काफी प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर मिले हमें। हाँ, बहुत देखता है, हम नेपाल से आया है। अच्छा। हाँ, पोखरा, हमारा पोखरा नेपाल, हम बहुत देखता है। वेरी नाइस, यू हेल्पिंग। हां, नमस्ते, मैं भी आपके सब्सक्राइबर हूं। थैंक यू। छुपा कैसा लग रहा है? मां छुपा बहुत अच्छा है। और मेरा ये इसको क्या कहते हैं? कोई बात नहीं, 5 फोटो और लो। अच्छा, जी जी
सिंगल से। नमस्ते जी, तशी डले। ये ना विलेज से आए ना तो। अच्छा, आई आई। ओ, ये चीज़ तो पर क्या जो। कैसा लगा बताओ, इतने सारे लोगों का प्यार मिला? प्यार आज तो मैं खुच के मारे तो क्या बोलूं, बहुत आज का तो दिन बहुत सच में बहुत बढ़िया है। बहुत ही स्पेशल डे है, गुरु जी के सेकंड टाइम मुझे दर्शन हुए, फैमिली को फर्स्ट टाइम हुए, इतने सारे लोगों का प्यार मिला। चलिए जी, बहुत ढेर सारे हमारे प्यारे प्यारे फैमिली से मिले हम लोग। ओम मानी पे मैं हूँ, ओम मानी पे मैं हूँ, ओम मानी पे मैं हूँ। सो वहाँ से मंदिर से बाहर निकले, वो भैया काफ़ी एफर्ट करने की कोशिश कर रहे थे बेचने की, बट बिक नहीं रहा था उनका। नमस्ते, काशी डिले। कोई नहीं ले रहा तब से देख रहा हूँ, कितने आए आज, दर्शन हो गए हमें दलाई लामा जी के, फैमिली को भी हो गए। पहचाना? मम्मा मम्मा ले लो एक, आज तो एक आपको भी खाना पड़ेगा, खुशी का दिन है, एक अंगूर तो आपको भी खाना पड़ेगा। हमारा इसमें डाल दो, एक इसमें से खोल के भैया को खिलाओ। आप खाओगे? खिलाओ। आज तो खुशी का दिन है, दलाई लामा गुरु जी के दर्शन हुए हैं। गुरु जी के दर्शन हुए आपके, कोई चेंज नहीं रखो। शिवरात्रि भी है ना, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव, ओम नमः शिवाय। चलो फिर, अब तो शायद अगली बार जब आएंगे तब मिलेंगे, अब जाएंगे दर्शन हो गए ना, आज दर्शन हो गए, अब जाएंगे ऐसे, दोबारा जब आएंगे बाद में फिर मिलेंगे। अब तक ध्यान रखना फिर आप, है सो खुशी का दिन है तो खुशियां बांटनी भी चाहिए ऐसे। एंड आज शिवरात्रि भी है, तो अभी हमने कुछ खाना वाना नहीं खाया है। अब यहाँ से बागसूनाथ में शिव मंदिर है, वहाँ पे हमारे गुरुंग भैया हैं जो गाड़ी चलाते हैं, उन्होंने बताया, तो वहाँ चलते हैं, एक जल चढ़ाते हैं, देन फिर नाश्ता पानी करेंगे अपना। कैसे बात? प्रणाम। आज बड़ा मजा आ गया शिवरात्रि वाले दिन में, दर्शन दर्शन हो गए, आज आपका दिन है। संदीप जी ने बना दिया दिन। बस बस ये है ना, अच्छे से दर्शन हो गए, अच्छा दर्शन हो गया, देखो आज शिवरात्रि का दिन है। अंदर शिव शिव मंदिर, चलिए शूज उतारे। सो वहां पर हम लोगों ने जल चढ़ाया और थोड़ी सी पूजा की, और उसके बाद तसल्ली मिली मन को। सो उसके बाद हम लोग वहाँ से रेस्टोरेंट में पहुँचे, तो वहाँ पर गोपे जी हैं हमारे स्विट्जरलैंड में, जो काफ़ी डोनेट करते हैं, उनके हस्बैंड मिल गए हमको, वो छुट्टी पे इंडिया आए हुए थे। सो जब उनसे दलाई लामा जी गुरु जी से दर्शन करके जब आप आते हो, तो वहाँ से आपको एक ये डार्क पिल्स, इसको नाम मुझे नहीं पता क्या होता है, जुत्सी छोयमेन करके जो लिखा है, पढ़ सकते हो आप, ये मिलता है, हमने एक दिन पहले लॉकेट टाइप का लिया था, तो उसके अंदर डाल के इसको गले में भी पहन सकते हो आप। सो मैंने बांध लिया, और ये बांध लिया गया है टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम ऑब्स्टेकल्स, और उनकी ब्लेसिंग रहेगी, छत्र छाया में रहेंगे उनकी, उसके लिए जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि लास्ट ईयर भी हमने हिज होलीनेस दलाई लामा जी की लॉन्ग लाइफ के लिए एक बहुत ही बड़ा मैसिव इवेंट और डिस्ट्रीब्यूशन किया था, इस बार विथ एवरी पासिंग ईयर हम उससे भी नेक्स्ट स्टेप में जाना चाहते हैं। तो जितने भी हमारे लोग हैं, और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, ताकि दलाई लामा जी की लंबी उम्र के लिए इस बार उससे भी बड़ा हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करें और एक ट्रिब्यूट दें उनको। उनको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, बट एज अ ट्रिब्यूट हम उनको उनकी लॉन्ग लाइफ के लिए ये डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं। लाइक 89 साल के होंगे वो, और ये डिस्ट्रीब्यूशन 6 जुलाई को उनके बर्थडे पर अपलोड होगा चैनल पर, तो 2-3 महीने में, क्योंकि बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन प्लान कर रहे हैं, तो सबके सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो 89 लड़कियों को स्विंग मशीन, एंड देन फिर हम लोग कुछ लोगों को, डिसेबल लोगों को शॉप, और काफ़ी कुछ बड़ा प्लान करेंगे, डिपेंडिंग कितना हम लोग फंड रेज कर पाते हैं। तो जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, एंड
इस साल भी एक बड़ा मैसिव इवेंट करें हम लोग दया लामा जी की लॉन्ग लाइफ के लिए, बिकॉज ऐसे संतों का होना ज़रूरी है जो काइंडनेस, कंपैशन, पीस को फैला रहे हैं, बिकॉज इतना हेट्रेड, इतना सब कुछ नेगेटिविटी इतनी वर्ल्ड में है, तो ऐसे लोगों से ही ये चीज़ें लाइफ में बैलेंस होती हैं, तो उनकी लॉन्ग लाइफ के लिए करेंगे ताकि वो ऐसे ही अपनी टीचिंग्स आगे तक देते रहें और अपना आशीर्वाद सब पर ऐसे ही बनाए रखें। तो आप लोग वीडियो शेयर करें और लेट्स डू दिस।